हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, आज हम वीवो V27 का चार्जिंग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। इसको हम 0 से 100% तक चार्ज करेंगे और चेक करेंगे कि इन पूरे प्रोसेस में, यानी 0 से 100% चार्ज होने में वीवो V27 कितना टाइम लेता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये टाइमर लगा हुआ है और सारे जो वीवो V27 के बॉक्स में जो चार्जर प्रोवाइड किया जाता है ना, उसको मैं यूज करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, अभी तक मैं इसको ओपन नहीं किया हूँ, ऑलरेडी ऐसे नया का नया ही पड़ा हुआ है। इसको फर्स्ट टाइम मैं यूज करने वाला हूं और देखेंगे कि आपका वीवो V27 0 से 100% चार्ज होने में कितना टाइम लेता है। तो यहां पे इसको मैं सेटअप कर ले रहा हूं और जैसे ही मैं इसको चार्जर में लगाऊंगा, उसके बाद स्टॉपवॉच मैं ऑन कर दूंगा। आप देख सकते हैं, और आपको ही पता होगा दोस्तों, जो वीवो V27 होता है वो 66 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा वीवो V27 है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है। आप देख सकते हैं, यहाँ चार्जिंग के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं चार्जर इसको इन कर रहा हूँ और यहाँ पे हर 10 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि हर 10 मिनट के बाद वीवो V27 कितना परसेंट चार्ज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चार्ट भी बना रखा हूँ कि हर 10 मिनट्स के बाद वीवो V27 कितना चार्ज होता है। तो चलिए चार्जिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार्जिंग यहाँ पे शो होने लगी और इसको मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ और देखते हैं दोस्तों कि 10 मिनट के बाद वीवो V27 कितना परसेंट चार्ज होता है। तो मिलते हैं आपको 10 मिनट्स के बाद। देख सकते हैं यहाँ पे 1% शो हो गया। तो मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 10 मिनट्स कंप्लीट होने को हैं। ऑलरेडी 9:50 हो चुके हैं। और बात करें दोस्तों 10 मिनट कम्प्लीट होने के बाद वीवो V27 कितना चार्ज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद वीवो V27 केवल 25% ही चार्ज हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपने फ़ोन को ऑन कर दूंगा। उससे ये भी देख सकते हैं कि अगर फ़ोन ऑन करने के बाद इसकी चार्जिंग स्पीड में किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे कि ये 20 मिनट्स के बाद कितना परसेंट चार्ज। तो दोस्तों यहाँ पे 20 मिनट्स कंप्लीट होने के हैं और बात करें दोस्तों कि 20 मिनट के बाद वीवो V27 कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी स्लो चार्ज देखने को मिल रहा है वीवो V27 में। एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि 20 मिनट्स के बाद कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के बाद केवल 41% यहाँ पे वीवो V27 चार्ज हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आधे घंटे बाद, यानी 30 मिनट के बाद वीवो V27 कितना परसेंट चार्ज होता है। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और बात करें वीवो V27 30 मिनट के बाद कितना चार्ज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 30 मिनट के बाद यहाँ पे वीवो V27 56% केवल चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड जो है ना, वो खास इंप्रेसिव नहीं लगा है। तो मिलते हैं 40 मिनट्स के बाद और देखते हैं कि वीवो V27 कितना परसेंट चार्ज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और बात करें दोस्तों 40 मिनट्स के बाद वीवो V27 कितना चार्ज हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वीवो V27 40 मिनट्स के बाद 72% चार्ज हो चुका है। चलिए मिलते हैं 50 मिनट्स के बाद, चेक करते हैं कि कितना परसेंट वीवो V27 चार्ज होता है। हमें तो 100% चार्ज करके देखना है कि कितना टाइम लगता है। तो मिलते हैं 50 मिनट्स के बाद। तो दोस्तों यहां पे 50 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और बात करें वीवो V27 50 मिनट्स के बाद कितना चार्ज हुआ है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ दोस्तों। चार्जिंग स्पीड काफ़ी स्लो है, आप देख सकते हैं 50 मिनट्स के बाद 87% वीवो V27 चार्ज हो चुका है। लेकिन एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे चार्जिंग के समय आपका वीवो V27 हीट नहीं होता है, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इसका जो चार्जर है वो हीट होता है। तो देखते हैं कि अब वीवो V27 100% कितने टाइम में चार्ज होता है। एटलीस्ट 1 आवर तो लग ही जाएंगे। तो मिलते हैं 1 आवर के बाद और चेक करेंगे कि वीवो V27 कितना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और बात करें कि वीवो V27 कितना परसेंट चार्ज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के बाद वीवो V27 यहाँ पे 98% चार्ज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कहूँगा दोस्तों कि चार्जिंग स्पीड स्लो हो चुकी है और वीवो V27 100% चार्ज होने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ले रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लगभग ये 45 से 50 मिनट में 100% चार्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं लाइव टेस्ट किया हूँ, इसमें यही लग रहा है कि लगभग 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 5 मिनट के अंदर आपका वीवो V27 100% चार्ज हो जाता है। अब देख सकते हैं 99% चार्ज हो गया और 1 मिनट से ऊपर यहाँ पर टाइमिंग हो चुकी है। तो देख लेते हैं कि 100% कितना टाइम लेता है चार्ज। देख सकते हैं कि वीवो V27 अब 100% चार्ज हो गया है और बात करें दोस्तों टोटल टाइमिंग की, तो यहाँ पे लगभग 1 घंटे 3 मिनट का टाइम लगा है पूरा 100% चार्ज होने में वीवो V27 की।
तो आप भूल जाइए दोस्तों कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 40-45 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको एक घंटे से ऊपर का टाइमिंग देखने को मिला है मुझे अपने वीवो V27 में। आपको कितना मिल रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। धन्यवाद।